तो इस पूरी अगर हम सिलेक्शन के अंदर देखते हैं तो व्हाट आई ट्राइड के जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे आपको दो फार्म बोनस के लाने हैं, एक वाला एक फास्ट बॉलर वाला, या दोनों फास्ट बॉलर के लाने, कंडीशंस को असेस करते हुए क्या टीम की रिक्वायरमेंट है, विद आउट ऑफ बेस्ट जितने भी पॉसिबल रिसोर्सेज थे वो हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। और जब आगे कंडीशन आएंगी, मैचेस आएंगे, तो उस हिसाब से फिर फाइनल 11 को उसी कैप्टन अप्रोच करके बनाएंगे। तो दैट वाज द होल थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस सिलेक्शन। और thank you for selling now, and then we'll come to the second. देखिए डेफिनेटली ओवर इसके ऊपर हमारी डिस्कशन हुई है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा थोड़ा सा साथ में लॉन्ग टर्म चीज़ें करने की कोशिश भी कर रही है। अगर आप विकेट कीपर्स देखते हैं इस टाइम के टॉप के फोर विकेट कीपर्स हैं हमारे, क्योंकि उसमें रिजवान आ जाते हैं, सरफराज आ जाते हैं, आजम खान उसमें आते हैं, वहील नज़ीर आ जाते हैं, और विकेट आप देखते हैं तो कुछ क्राइटेरिया से तकरीबन सारे पूरे करते हैं। तो अभी का आइडिया ये इसके ठीक है, विकेट हम देखते हैं रिजवान और सरफराज पिछली इंटरनेशनल वेट खेल चुके हैं, इनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है, उनके पास परफॉर्मेंस भी दी हुई है। इसमें हमने रोल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि हमें किस तरह का कीपर बैट्समैन चाहिए, तो उसके अंदर PSL को हमने रखा है, उसके अंदर की और क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों के अंदर, ठीक है ना। आजम खान भी मौजूद है आपके पास और रुहेल नज़ीर भी मौजूद है, इन सारों को रोल्स दिए जाएंगे स्पेशली PSL के अंदर, ओबीसी सीरीज के अंदर भी, लेकिन PSL के अंदर स्पेशली। तो जो हमें एक ऑप्शन चाहिए, ठीक है ना, उस पर कंक्लूजन हमारी हो जाएगी कि हमें टॉप ऑर्डर में चाहिए या हमें मिडल ऑर्डर में चाहिए, तो फिर उस हिसाब से जो भी बेस्ट सूटेबल विकेट कीपर होगा वो आगे के लिए हम तैयार करेंगे। लेकिन इस सीरीज में वही थॉट के अभी सरफराज को हम कैरी करते हैं साथ में, लेट्स सी वो खेलते हैं या नहीं, लेकिन उसके बाद PSL है तो इन सारों पे नज़र रखी जाएगी। और PSL के बाद वी बी इन अ बेटर सिचुएशन कि जहाँ पे हम असेस कर सके, क्योंकि वहाँ से फिर हमने डिटरमिन कर लेना है कि टीम की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है और रिसेंट फॉर्म किसकी अच्छी है और कौन से रोल के लिए कौन सा विकेट कीपर अच्छा है, तो उसके बाद इनको असेस किया जाएगा। सुहेल देखिए सुहेल भाई, वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखते हैं तो मैंने प्लेयर सेलेक्ट करने हैं अवेलेबल प्लेयर्स के अंदर से, उनकी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी होगी तो उसके बाद उनको सिलेक्शन के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो ऐसा बन गया कि जिसके अंदर अगर हम देखते हैं जो टीम की रिक्वायरमेंट है, जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो जो सेट किए गए हैं उसको मीट करना हर प्लेयर के लिए ज़रूरी है कि आपने थर्ड को आके बबल ज्वाइन करना है। तो अगर वो कोई प्लेयर थर्ड को नहीं आ सकता और वो यू नो वो बिजी हैं कहीं और, तो ऑब्वियसली फिर वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सकते, तो वो कैटेगरी में आ जाते हैं कि ही इज़ नॉट अवेलेबल। तो उनकी अवेलेबिलिटी होती तो डेफिनेटली वो हमारे इस टाइम प्रोफेलिक बैट्समैन हैं, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हैं, तो वो स्क्वाड का हिस्सा होते, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट अवेलेबल टू ज्वाइन द टीम ऑन द टाइम। ओके, नेक्स्ट टू क्वेश्चंस एहतिशाम और फिर अनस। वसीम, बड़ी अच्छी बात, आपने स्क्वाड अनाउंस किया, वो जीत गया, लगता है कि उसने काफी कॉन्फिडेंस दे दिया, जिसके बाद वहाब रियाज और मोहम्मद अजीज बारे थोड़ा नेमिस शो नहीं की गई, क्या हफीज ने ये कह दिया था कि वो ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं? देखिए इसमें ज्वाइन या ना ज्वाइन करने का सिंपल है कि टीम ने गैदर होना है थर्ड को और उसके पूरे प्रोटोकॉल है, इतना बड़ा एक टूर है आपका, उसके जो प्रोटोकॉल सेट हुए हुए हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू ज्वाइन ऑन दैट टीम। तो मैंने डिटरमिन यही करना है कि 3 तारीख को जब टीम का बबल बन रहा है तो उसके लिए कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, हु एवर इज़ नॉट अवेलेबल तो उसको उसी कैटेगरी में आएंगे कि वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली ही कांट मेक इट ऑन द थर्ड, उनके प्लान्स बाद के हैं तो इज़ नॉट कंसिडर्ड। अनस, क्या
देखिए मैं अगर शजील की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा आजम को भी ऐड करूंगा कि ऑब्वियसली उनकी जो बैटिंग स्किल्स हैं या उससे तो किसी को वो दो राय नहीं होगी कि वो एट द मोमेंट आपके बेस्ट हिटर्स में आते हैं. ठीक है, शजील की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, बट वी ऑल नो व्हाट ही कैन डू. उनके लिए हमने ऑब्वियसली जो आपने बात की है फिटनेस की और कुछ और चीज़ें हैं जिन पे हमारी नज़र है, तो उनके लिए हमने कुछ बेंचमार्क सेट किए हैं. डेफिनेटली वो प्लान्स का हिस्सा हैं, तो हमने उनको कुछ बेंचमार्क्स दिए हैं पीएसएल के दौरान और उसके बाद. अगर वो अचीव करते हैं, उस तरफ उनकी प्रोग्रेस होती है, डेफिनेटली उनको कंसिडर किया जाएगा. और इससे पहले आपने पूछा था शुएब मलिक का. देखिए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में अभी मैंने आपको बताया था कि वट एग्जैक्टली वी आर लुकिंग फॉर. तो उसमें अगर हम ऑप्शन देखते हैं जो मिडिल ऑर्डर हमारे बैट्समैन और लास्ट दो साल के परफॉर्मेंसेज देखते हैं, तो उसमें आपको कुछ और जो लड़के अपकमिंग हैं वो सुपीरियर नज़र आते हैं. उनके स्टैट्स भी आपको बेहतर नज़र आते हैं, नो डाउट कि उनका एक्सपीरियंस मौजूद है वहाँ पे. लेकिन हमारी जो कोशिश है कि वर्ल्ड कप तक हमारे पास जितने मैचेस हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो पहले हाफ है हमारे मैचेस का उसके अंदर हम डिफरेंट प्लेयर्स को ट्राई करें, क्योंकि एक जगह खाली है वहाँ पे, इन लड़कों को चांस दें. लेकिन शुएब मलिक में ये रूल आउट नहीं कर रहा कि हमारे प्लान्स में नहीं है, लेकिन एट द मोमेंट अगर हम देखते हैं करंट सिनेरियो के अंदर तो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन हमारे पास वो नहीं, उससे बेहतर प्लेयर जो मुझे नजर आ रहे हैं वो भी उनको प्रेफर किया गया. चौधरी अशरफ और फिर कादिर ख्वाजा. देखने में यही आया कि सिलेक्शन कमेटी ने 20 खिलाड़ियों को ऐलान करके एक अपने आप को तनकीद से बचाने की कोशिश की है. क्या सिलेक्शन कमेटी में कोई खौफ है कि 20 खिलाड़ियों का ऐलान ना किया तो हमें तनकीद का सामना करना पड़ेगा? पिछली सिलेक्शन कमेटी बहुत अरसे से इस बात को लेकर चल रही थी कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज हमारा वर्ल्ड कप का जो एक एम है उसके हवाले से हम उनको साथ लेके चल रहे हैं. देखने में अब ये आ रहा है कि सिलेक्शन कमेटी तब्दील हुई, साथ ही माजी की सिलेक्शन कमेटी के जो प्लान थे उनको डिस्कार्ड कर दिया गया. क्या खौफ है कोई सिलेक्शन कमेटी में या कुछ और चीजें चल रही हैं कि पीसीबी का प्लान है कि सीनियर खिलाड़ियों को इस तरह आउट कर दिया जाए? नहीं, देखिए जहां तक 20 खिलाड़ियों वाला ताल्लुक है तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल अगर सर्कमस्टांसेस होते तो उसके अंदर आपको 14 का या 16 का स्क्वाड नजर आता है. लेकिन यू हैव टू कंसीडर कि कोविड की सिचुएशन चल रही है तो बबल के अंदर आपको रिप्लेसमेंट प्लेयर्स चाहिए होते हैं. दैट इज द ओनली रीजन कि एक्सटेंडेड स्क्वाड आपको नजर आ रहा है, क्योंकि रिप्लेसमेंट बाहर से जा नहीं सकती. कोविड की जो प्रोटोकॉल है बबल में, यू कॉन्ट वॉक इन, तो किसी को इंजरी होती है साथ साथ भी जो कंकशन का रूल आ गया है कि इमीजिएट आपको रिप्लेसमेंट भी चाहिए होती है. तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक्सटेंडेड स्क्वाड आपका बनाया जाता है. इसमें वो रीजन कोई नहीं है कि यू नो किसी को वैसे ही बड़ा कर दिया हमने स्क्वाड. तो डेफिनेटली इसके पीछे एक लॉजिक है, इसके पीछे रीजन है, जो टीम की रिक्वायरमेंट है उसको हम देख रहे हैं और इसका हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका हम भरपूर फायदा उठाएं. जैसे टेस्ट मैचेस में हुआ था कि हमने उसके अंदर यू नो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उनको मौका दिया, उनमें से यू नो चंद प्लेयर्स खेले, उन्होंने परफॉर्म किया और दिखाया भी है. तो इसके पीछे भी यही आइडिया कि न सिर्फ कि हम वो जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनको हम स्क्वाड का हिस्सा भी बना रहे हैं. एटलीस्ट उनको वो फील भी आती है टीम के साथ रह के यार उनको रिवॉर्ड मिल रहा है. तो ऑब्वियसली ये हमारे फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा है. तो बाकी ये है कि वर्ल्ड कप की प्लानिंग डेफिनेटली हम लोगों के जेहन में भी है और उसको देखते हुए आपको जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि कौन से एरियाज हैं और कौन से प्लेयर्स किस रोल के लिए हमें चाहिए. तो जो जो उस रोल पे फिट होगा परफॉर्म करेगा, आगे पीएसएल भी आ रही है, आगे काफ़ी मैचेज हैं हमारे उसके बाद भी, तो जो जो उसमें परफॉर्म करेगा वो आपको नजर आ जाएगा. लेकिन डेफिनेटली मैं किसी को भी रूल आउट नहीं कर रहा जी कि हमारे फ्यूचर प्लान के अंदर नहीं है. देखें हफीज़ की फिर मैं बात कहूँगा कि अगर वो थर्ड को अवेलेबल होते तो उनकी परफॉर्मेंस का जो उस पर तो क्वेश्चन है ही नहीं ना, ही इज़ नॉट अवेलेबल सिंपली. ठीक है ना, आसिफ अली भी T10 लीग खेल रहे हैं, ही विल बी हेयर टू जॉइन द बबल ऑन द थर्ड. तो ये सिनेरियो हफीज़ का होता तो ऑटोमेटिक वो हमारी सिलेक्शन में आ जाते, तो उसका वो इशू नहीं है. अवेलेबिलिटी का था कि तीन को उन्होंने टीम को रिपोर्ट करनी थी, वो उसमें यू नो उनको मुश्किल आ रही हैं तो जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं है कि उसके बाद वो ज्वाइन नहीं टीम को कर सकते हैं.
बाकी देखें जितने भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उन पर हमारी नजर है. ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें हमने कंसिडर करनी होती है. इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टैट्स, ठीक है ना. वकास मकसूद नो डाउट के उसकी परफॉर्मेंस है और वो उस पर हमारी नज़र भी है. लेकिन फिर मैं बात करूँगा कि वो जो हम रोल देख रहे हैं उस रोल पे जब वकास मकसूद पूरा उतरेंगे आगे परफॉर्मेंस उनकी भी देखी जाएंगी तो डेफिनेटली उनको भी कंसिडर किया जाएगा. तो रूल आउट मैं किसी को नहीं कर रहा. लेकिन एक चीज़ ये है कि शायद वो लग रहा होगा कि सिर्फ स्टैट्स देख के टीम जो बन रही है सिर्फ स्टैट्स नहीं देखे जा रहे हैं, साथ साथ काफ़ी पोटेंशियल वाइज भी चीज़ें देखी जा रही हैं. जो करंट फॉर्म है दैट इज़ द मेन की, क्योंकि करंट फॉर्म कैसी है, आजकल वो कैसा खेल रहे हैं. तो मोस्टली जो बेस्ट अवेलेबल लॉट है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि बेस्ट अवेलेबल जो प्लेयर्स हैं हम उनको पहले प्रेफर कर रहे हैं. नेक्स्ट इज खान साहब, फिर अबू बकर और फिर बकरी. वसीम, पहले तो ये कि आप लकी रहे हैं कि आपने टीम का इंतखाब किया और टीम जीत गई. बहरहाल ये सीरीज भी चलती रहेंगी, हार जीत भी चलेगी. वर्ल्ड कप आने को है, मुख्तलिफ ममालिक ने मेरे ख्याल वर्ल्ड कप को फाइनल लाइन दे दी है. तो क्या आप समझते हैं कि आप अपनी टीम को जो 18 रुकनी टीम या 16 रुकनी जो टीम का इंतखाब करेंगे वो टाइम लाइन कब तक है आपके पास, अब कब तक उसको फाइनल करेंगे? देखिए उसका हमने प्रॉपर एक ब्रेक डाउन किया हुआ है कि वर्ल्ड कप से पहले हमारे कितने मैचेज हैं, T20s कौन सी सीरीज है, कहाँ पे है. तो अभी इस चीज़ पर हमारी प्लानिंग चल रही है. तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहाँ पे हम भी उस पोजीशन में होंगे, वो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये 2-3 सीरीज के बाद कि हम डेफिनेटली हम वो उस पोजीशन में आ जाएंगे कि ये हमारे फाइनल. जैसे आपको ये पूल नज़र आ रहा है 20 लड़कों का है, ठीक है ना, इसके अंदर 1-2 या 3 स्लॉट्स ऐसी हैं जिसपे डिबेट चल रही है, बाकी तो जितने लड़के हैं आपके वो सेटल हैं, परफॉर्म कर रहे हैं. तो हम ऑप्शंस अपना वो पूल ऑफ जो प्लेयर्स है अभी वो 20 का है, एक लड़का उसमें PSL के बाद 2 और भी ऐड हो सकते हैं. लेकिन स्लोली स्लोली आप इसको देखेंगे कि ये ट्रिम डाउन हो जाएगा और उसको आपको वो नज़र आ जाएगा कि ये वर्ल्ड कप की हमारी फाइनल प्रिपरेशंस हैं. और बाकी टीमों का भी आई एम नॉट श्योर कि फाइनल जो होते हैं ना स्क्वाड, काफ़ी ममालिक को आप देखेंगे तो 1-2 स्पॉट्स के ऊपर वहाँ पर भी काम चल रहा है. तो आई थिंक वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. और जो अच्छी बात है कि हमारी T20 टीम में आपको काफ़ी सेटल प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं. बॉलिंग यूनिट देखते हैं तो वहाँ आपको इन्हों तगड़े बॉलर नज़र आ रहे हैं जो खेलते हुए आ रहे हैं. इसी तरह और भी अगर बैटिंग में भी देखते हैं 2-3 स्लॉट्स के ऊपर हमारे पक्के बैट्समैन खेल रहे हैं. तो हमें बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें करने की जरूरत नहीं है. लेकिन हम उन लाइन्स के ऊपर डेफिनेटली सोच रहे हैं कि जल्दी हमें चीज़ें फाइनलाइज करनी होगी, ये पूल ऑफ प्लेयर जो हमारा उसको श्रिंक करके कि ये वर्ल्ड कप के हमारे आगे इसी पूल से हमें जाना है. वसीम भाई, हम देख रहे हैं कि 1-2 साल के अंदर कुछ फास्ट बॉलर प्लेयर खासतौर पर बात करें तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट खिला के भी उनको इंजरी का शिकार करवाया था. उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी को मैनेजमेंट का तो नहीं लग रहा कि शायद उनको रेस्ट देने के मूड में है. तो आप उनको समझते हैं क्योंकि हमारे वो स्ट्राइक बॉलर हैं, आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहे हैं, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे? सेकेंडली हफीज और फवाद आलम, ये 2 ऐसे परफॉर्मर हैं जिनके लास्ट ईयर में टॉप परफॉर्मर हैं लेकिन उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. आप सजेस्ट करेंगे या आप ऑफर करेंगे जो अगला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आएगा इन दोनों प्लेयर्स? हाँ देखिए दादा की इंजीज की वर्कलोड की बात है तो ओबियसली टीम मैनेजमेंट की उन्होंने चीज़ें डिसाइड करनी है. बॉलिंग कोच वहाँ पे आपके डॉक्टर हैं, फिजियोज हैं, कैप्टन कोच ने मिलकर ये चीज़ें देखनी है. लेकिन वी आर इन द प्रोसेस कि हम इस चीज़ को भी देख रहे हैं. अभी आपने शाहीन की बात की है तो डेफिनेटली हम इन चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं कि आगे चल के इनको हमने देखना है. बात फिर वही है कि जब आपका पूल ऑफ प्लेयर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब आपके पास ऑप्शन होते हैं इन लाइन्स के ऊपर आप फिर सोचते हैं. तो आई थिंक वी आर लकी स्पेशली इन वाइट बॉल क्रिकेट के हमारे पास काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं. तो आगे इन लाइन्स पे डेफिनेटली सोचा जाएगा कि कौन से प्लेयर्स का वर्कलोड बढ़ रहा है तो उनको थोड़ा सा रेस्ट करवाया जाए. देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मेरी अभी इस चीज़ पे अभी मेरी उस पर कोई वो नहीं है अभी. तो नेक्स्ट जब आएंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स तो उसके ऊपर जब होगी डिबेट तो फिर उस पर बात होगी. वसीम, जो आपने स्टार्ट में पैराग्राफ दिखाए थे उसमें 5वें पॉइंट पे लिखा हुआ था कि मिडिल ओवर्स के अंदर अच्छे बॉलर्स और विकेट टेकर आपको चाहिए और वो वहाब रियाज थे. और हम सभी पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ये जानते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और उनके ऊपर वर्कलोड भी है और उनकी विकेट्स भी नहीं है, 1-5 विकेट भी नहीं है पिछले अगर काफ़ी अर्से में देखा जाए. तो शाहीन को कंटिन्यू कराने की रीज़न और वहाब को ड्रॉप करने की रीज़न क्या है? क्या वहाब को भी वही आमिर वाली सजा दी जा रही है? देखिए रीज़न आपने खुद बता दिया है कि मिडिल ओवर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन रोल आपने बताया ना कि ये रोल था उनका. तो अगर आप पिछली परफॉर्मेंसेज देखते हैं तो वो रोल वो पूरा करता हुआ नज़र आ रहे हैं आपको, उसका आप नज़र नहीं आएंगे. तो वो रीज़न था कि हमें वहाँ पे ऐसा बॉलर चाहिए, ठीक है. उसमें हसनैन भी उस कैटेगरी में आ जाते हैं. उसके बाद हसन अली की आप अगर स्ट्रेंथ देखते हैं वाइट बॉल क्रिकेट की इंजरी से पहले की मिडिल ओवर्स में सेवी ओल्ड बॉल के साथ ना सिर्फ वो रन रोकते हैं बल्कि विकेट्स भी लेने की सलाहियत रखते हैं. तो रोल वहीं का वहीं है, थोड़ा सा हमने उस पर बाकी को ट्राई करने की कोशिश की है. मैंने फिर कहा कि वहाब रियाज ने देखिए परफॉर्मेंसेज पास में दी हुई है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का उनका है इशू. अगर वो सॉर्ट आउट करते हैं PSL में दोबारा वो परफॉर्मेंस देखते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे प्लान्स का हिस्सा होंगे. तो रोल आपने आइडेंटिफाई जो किया है बिल्कुल हमारी उसी चीज़ के ऊपर नजर है कि हमें ऐसा बॉलर चाहिए कि मिडिल ओवर्स में आके विकेट लें. तो आई थिंक वो एबिलिटी
हम देखते हैं हारिस के अंदर भी मौजूद है, हसनैन के अंदर भी मौजूद है, और हसन अली के आने से एक ऑप्शन हमारा और बढ़ गया। लास्ट